हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच की। ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच क्या होता है? जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सीखा था, वो एयरक्राफ्ट को लैंड करने में हेल्प करता है, वैसे ही ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच भी एयरक्राफ्ट को लैंड करने में हेल्प करता है। ये बस बेसिकली जो ऑपरेटर होता है, जो ग्राउंड में बैठा होता है, उसको हेल्प करता है कि एयरक्राफ्ट की पोजीशन क्या है और वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। इसकी ख़ास बात यह है कि अगर इसमें कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट अलग से नहीं लगा होता है, एक सिंपल सा ऑडियो सेट होता है इसमें, जो एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट और ज़मीन पर बैठे ऑपरेटर के बीच में होता है। यह तब यूज़ होता है सबसे ज़्यादा जब एयरक्राफ्ट में कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर या नेविगेशनल एड कोई डिवाइस होगी जो काम नहीं करती है, तब हमारा ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच काम करता है। इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं सर्विलांस, रडार एलिमेंट SRE और प्रिसीजन अप्रोच रडार PAR। SRE क्या है? एक ये सर्च टाइप का रडार है। इसका उपयोग किया जाता है एयरक्राफ्ट जब किसी एक निश्चित दूरी पर होता है तो उसको रनवे पर उतरने में गाइड करता है। ये हमारा PPI डिस्प्ले प्लान पोजीशन इंडिकेटर यूज़ करता है। इसकी स्पेसिफिकेशन है कि इसकी जो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है वो है 2000 पल्सेस पर सेकेंड। जो बीम स्कैनिंग रेट है वो है 30 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। बीम विड्थ इज 0.5 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन में 0.5 डिग्री और ट्रांसमीटर पीक पावर इज 80 किलोवाट। फिर देखते हैं दूसरा PAR। PAR हमारा एक रडार में लगा होता है जो उसके एयरक्राफ्ट की सर्विलांस और लैंडिंग सर्विस देता है। यह रडार एयरक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्कैन करता है। इसमें दो एंटीने लगे होते हैं जो उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्कैन करते हैं एयरक्राफ्ट को। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल स्कैन होता है वो 20 डिग्री तक हो सकता है और वर्टिकल स्कैनिंग इसकी 7 डिग्री तक होती है। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग वो इस तरह से करता है, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है, 20 डिग्री तक। और वर्टिकल स्कैनिंग ये होता है 7 डिग्री तक ग्राउंड से ऊपर नीचे इस तरह से। ये इसका टच पॉइंट है, यहाँ पर आके एयरक्राफ्ट टच करता है सबसे पहले। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि इसकी जो ट्रांसमीटर पावर है उसकी लिमिटेशन की वजह से जो ये हॉरिजॉन्टल स्कैन होता है वो 16 डिग्री तक सीमित रहता है और वर्टिकल स्कैन 3 डिग्री तक ही सीमित रहता है। इसमें इसकी पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी 3.8 किलोहर्ट्ज़ है और ट्रांसमीटर पावर 50 किलोहर्ट्ज़। ये जनरली काम कैसे करता है कि जो हमारा रडार होता है वो जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एयरक्राफ्ट से टकरा कर वापस आती है, और उस वेवलेंथ में अगर कोई फेज डिफरेंस आता है या फेज चेंज होता है उससे उस एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन पता चलता है। तो ये था ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच लैंडिंग सिस्टम के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।